मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती हैं। और मुझे ये शब्द इसलिए बोलने पड़े कि जैसा कि हम सबको पता है कि हम कोरोना काल से गुजरे हैं और हम सब का जो मनोबल है वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर से नीचे गया था इस वैश्विक महामारी के दौर में। उसके बावजूद भी गिरधरपुर शाखा के इन दो विद्यार्थियों ने जिस तरह से जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में यह मुकाम हासिल किया है, उनके लिए मैं अपने ये शब्द अर्पित करता हूं और चाहता हूं कि एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं दोनों। मंजिलें एक दिन में नहीं मिलती हैं, उसके लिए सतत प्रयास करना पड़ता है। सफलताएं भी एक दिन में नहीं मिलती है, उसके लिए भी प्रयास करना पड़ता है। लगातार मेहनत करनी पड़ती है, अनुशासन का पालन करना पड़ता है और सबसे खास बात जो इस विद्यार्थी जीवन में सबसे आवश्यक है वो ये है कि हमें अपने गुरुजनों का आदर करना पड़ता है। इन सारे चीजों का समावेश जब हमारे अंदर होता है अनुशासन के साथ, तो कोई भी सफलता आप लोगों से दूर नहीं है, ये मैं आज दावा करता हूं। और बधाई देना चाहता हूं मैं रिलायंस डेवलपमेंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की इस गिरधरपुर शाखा के तमाम शिक्षकों को, विशेष तौर से विद्यालय के निदेशक श्री सुखबीर सिंह जाखड़ जी को, जिन्होंने विद्यार्थियों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में एक सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया है और जिसका नतीजा आज इन दो छात्रों ने सफलता हासिल करके आज हमारे सामने यह प्रमाण भी प्रस्तुत किया है। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि विद्यार्थी जीवन सबसे बेहतर जीवन होता है। विद्यार्थी जीवन काल के दौरान हम वो सब चीजें अपने आने वाले भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं जो हमारे सपने हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं। यह समय कितना आसान समय है, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि हम लोग सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, कपड़े पहनते हैं और स्कूल में आ जाते हैं। यहां हमें केवल पढ़ना होता है, कोई शारीरिक ऐसा कष्ट नहीं है, ना कोई हमें फिजिकली वर्क करना पड़ता है, सिर्फ पढ़ना है। और यदि हम सब विद्यार्थी खास तौर से अनुशासन के साथ केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तो हम अपना मनचाहा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो मैं आज ये चाहूंगा कि इन दो छात्रों की इस उपलब्धि से हम सब आज यहां से ये प्रेरणा लेकर के जाएं, ये शपथ लेकर के जाएं और ये निश्चय करके जाएं कि जिस तरह से इन दो छात्रों ने ये उपलब्धि प्राप्त की है, हम भी अपने अपने क्षेत्र में, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में, कोई कला के क्षेत्र में, या कोई विज्ञान के क्षेत्र में, या कोई खेलों के क्षेत्र में, हम भी इन्हीं बच्चों की तरह मेहनत करेंगे और एक दिन राज्य स्तरीय ही नहीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में हम पदक जीत कर लेकर आएंगे और अपने विद्यालय और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं। उम्मीद करता हूं कि गिरधरपुर शाखा के ये विद्यार्थी एक दिन राष्ट्रीय स्तर पर अपने स्कूल का, अपने माता पिता का और इन शिक्षकों का नाम रोशन करें, ऐसी मैं आप सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां देता हूं। धन्यवाद।